सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना इफ का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग और इन केस दैट का प्रयोग। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लेकर के आया हूं जो सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का ही निर्माण करते हैं। वो कंजंक्शंस अपने आप में कुछ खास हैं, जरा देखते हैं वो कौन से कंजंक्शंस हैं। वो कंजंक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनफैक्ट ये जो दो कंजंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर ये इफ के सब्स्टिट्यूट्स हैं, और यहाँ जो नीचे लिखे हुए जो कंजंक्शंस हैं ये सिनोनेम्स हैं। जी हाँ, सिनोनेम्स, मैं यहाँ पर सिनोनेम्स बोल रहा हूँ। जी हाँ, अगर हम उनको इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में जो उनका मीनिंग या जो कंडीशन होती है वो सेम एक जैसी होती है। हाँ, जब हम हिंदी में उनकी हिंदी निकालते हैं तो भले ही वो हमको डिफरेंट डिफरेंट उनकी हिंदी लगे, बट इंग्लिश में उनका एक ही सेंस होता है और एक ही कंडीशन के लिए इन सब का प्रयोग एक समान किया जाता है। चलिए ज़रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी जो छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ऊपर के बॉक्स में लिखे हुए तीन कंजंक्शंस हैं इनका प्रयोग हम स्पीकिंग इंग्लिश में करते हैं, मीन्स हम इनका प्रयोग इनफॉर्मली करते हैं। ओके, बाकी जो नीचे दूसरे बॉक्स पर जो कंजंक्शंस लिखे हुए हैं इनका प्रयोग हम राइटिंग में भी करते हैं और स्पीकिंग में भी करते हैं, मीन्स दोनों ही प्रकार से फॉर्मली एंड इनफॉर्मली हम दोनों ही प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। आइए ज़रा इनका प्रयोग भी देख लेते हैं जल्दी से कि इनका प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि इनका प्रयोग आप किन कंडीशंस पर करते हैं। तो देखिए, ओनली इफ का प्रयोग आप केवल तभी करते हैं जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है या कोई एक स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है। स्ट्रिक्ट कंडीशन कैसी होती है, अगर बात कुछ ऐसी कही जाए, मैं आपको हिंदी में समझाऊं, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये एक सामान्य सी कंडीशन है। लेकिन अगर इसी को स्ट्रिक्ट बनाना हो तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा होगा केवल यदि तुम ऐसा करोगे। अगर हम उसको स्ट्रिक्ट बना देंगे, अगर हम उसे कुछ इस तरह से कह देंगे तो वही कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी या कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन भी हो सकती है। इस कंडीशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इनफैक्ट वो दो सेंटेंसेस हैं, और उन दो सेंटेंसेस को जरा हम गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रिक्ट कंडीशन कैसी होती है। देखिए जरा यहाँ पर लिखा हुआ है, वी विल रिड्यूस इट्स प्राइस, हम इसकी कीमतें घटा देंगे। ओके, अगला सेंटेंस है, ओनली देन मोर पीपल विल बाय इट, केवल तभी अधिक से अधिक लोग उसे खरीदेंगे। जी हाँ, अधिक से अधिक लोग कब खरीदेंगे, केवल तभी। केवल तभी का मतलब क्या है, जब ये होगा, मीन्स जब हम प्राइसेस घटाएंगे केवल तभी लोग ऐसा करेंगे। ओके, तो इस काम को होने के लिए इनफैक्ट क्या चाहिए, इस वाली कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स ओनली देन से हमने यहाँ पर क्या किया है, इस कंडीशन को स्ट्रिक्ट बना दिया है। ओके, या इस काम के होने के लिए हमने इस कंडीशन को स्पेसिफिक बना दिया है, बस इतनी सी बात है। और अगर ऐसी कोई स्ट्रिक्ट या स्पेसिफिक कंडीशन होती है तो हम इफ़ के स्थान पर ओनली इफ़ का यूज़ करते हैं। ओके, और ओनली इफ़ के स्थान पर हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक ही एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर इन सारे ही कंजंक्शंस का प्रयोग बड़ी ईजिली और बड़ी आसानी से आपको बता सकता हूँ। चलिए ज़रा देख लेते हैं कि इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ओनली इफ़ का प्रयोग। ओके, चलिए ज़रा शुरू करते हैं इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से ओनली इफ़ की मदद से जोड़ देते हैं। तो चलिए ज़रा यहाँ पर हम देखते हैं कि ओनली इफ़ इस कंजंक्शन का प्रयोग हमने यहाँ पर किस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि मेन क्लॉज हमने पहले रखी है और ओनली इफ़ से शुरू होने वाली जो सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है उसको हमने बाद में यूज़ किया है। ओके, अभी मैं इसको पहले यूज़ करके बताऊँगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इन सभी कंजंक्शंस का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो ज़रा गौर कीजिए, मोर पीपल विल बाय इट, अधिक से अधिक लोग इसे खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, ओनली इफ़, केवल यदि हम
इनकी प्राइस को घटा देंगे, अर्थात कोई एक कमोडिटी है उसकी प्राइस को घटाने पर ही अधिक से अधिक लोग खरीदेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस कंडीशन पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस कंडीशन को ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन सभी कंजंक्शंस का प्रयोग इसके स्थान पर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे? आप ओनली इफ के स्थान पर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज का यूज भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज। जी हाँ, जो ओनली इफ का जो सेंस है वही सेंस यहाँ पर एज लॉन्ग एज का है, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से निकल सकता है, अधिक से अधिक लोग इसको खरीदेंगे उस समय तक जब तक, या जब तक वी रिड्यूस इट्स प्राइस, जब तक हम इसकी प्राइस को रिड्यूस किए रहेंगे तब तक लोग इसे खरीदेंगे, अधिक से अधिक लोग खरीदेंगे। तो तब तक आ गया यहाँ पर, जब तक आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या यहाँ पर प्रोवाइडिंग का यूज़ भी किया जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर प्रोवाइडिंग का भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे? आप करेंगे प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडिंग दैट, हम प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडिंग दैट यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और वही स्ट्रिक्ट कंडीशन यहाँ पर भी है। प्रोवाइडिंग का मतलब इस शर्त पर कि, इस शर्त पर कि हम उसकी प्राइस को कम किए रहेंगे, इस शर्त पर अधिक से अधिक लोग इसे खरीदेंगे। ओके, सो मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि ये जो तीनों ही कंजंक्शंस हैं, इनफैक्ट ये कंजंक्शंस इनफॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ अधिक से अधिक किया जाता है, फॉर्मल यूज़ में मीन्स रिटन इंग्लिश में इनका प्रयोग कम किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं वो कंजंक्शंस जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही यूज़ में समान रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ज़रा वहाँ पर भी देख लेते हैं। सो लॉन्ग एज, आप यहाँ पर प्रोवाइडिंग के स्थान पर क्या कर सकते हैं? सो लॉन्ग एज का यूज़ भी कर सकते हैं, और ये भी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन को ही शो करता है। यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ सेम वैसा ही निकलता है जैसा एज लॉन्ग एज। ओके, मतलब इसका यही निकला, जब तक हम उसकी प्राइस को कम किए रहेंगे अधिक से अधिक लोग उसे खरीदेंगे। सो हिंदी में हम कुछ यदि या केवल तभी या जब तक या बशर्ते या इस शर्त पर कि, कुछ ऐसे हिंदी अर्थ निकल सकते हैं, बट इंग्लिश में इन सब का मीनिंग है स्ट्रिक्ट कंडीशन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रोवाइडेड का आप यूज़ कर दीजिए, प्रोवाइडेड, ओके, प्रोवाइडेड का यूज़ कर दीजिए, ऑलराइट। आप यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, और हिंदी अर्थ कुछ ऐसा निकलता है, बशर्ते या इस शर्त पर कि, आप इसका अर्थ ऐसा निकलता है, बाकी मीनिंग वही है, इंग्लिश में वही मीनिंग है, मीन्स स्ट्रिक्ट कंडीशन। और ऑन कंडीशन दैट का यूज़ भी आप इसी स्ट्रिक्ट कंडीशन को शो करने के लिए करते हैं। अब एक बात और आपको बतला देना चाहता हूँ जो केवल और केवल ओनली इफ़ के लिए है। वो बात क्या है? वो बात सिंपल से इतनी है कि अगर हम इस सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को पहले रखते हैं तो क्या होगा। देखिए जरा, अगर हम इस प्रोवाइडेड के स्थान पर ओनली इफ का यूज करते हैं तो सेंटेंस हम यहां से शुरू करेंगे, ओनली इफ। अब देखिए जरा यहां पर हमने किया क्या है, हमने सिर्फ इतना किया है कि इस सबॉर्डिनेट क्लॉज मींस इस प्रोवाइडेड को यहां से हटाया, ओनली इफ वाली इस क्लॉज को हमने यहां पर स्टार्टिंग में लिख दिया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी पहले रख दिया। अब अगर पहले रख देते हैं, कोई भी सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज को हम पहले रखते हैं तो फिर हमें कॉमा प्लेस करना होता है। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको कॉमा प्लेस करना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब हम मेन क्लॉज को बाद में रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मेन क्लॉज को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना चाहिए। मीन्स इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, बाद में सब्जेक्ट आएगा। इसको हम इनवर्सिव मेथड बोलते हैं, बट ये केवल और केवल ओनली इफ के लिए है। बाकी अगर इनसे शुरू होने वाली जो भी सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें आप मोर पीपल के बाद ही विल को रखेंगे। ओके, अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक बात और भी आपको बतलाना चाहता हूँ कि इन सब का प्रयोग आप स्ट्रिक्ट कंडीशन के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा, कैसा,
जरा देखिए। तो जरा देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात को हमेशा ही ध्यान में रखना है। वो क्या है कि अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन पॉसिबिलिटी को शो करती है, अगर वो स्ट्रिक्ट कंडीशन को नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी को शो करती है, तो फिर हम ये इन कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं करते हैं। और विशेष रूप से कौन से, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ओके, जरा देखें कैसे। इफ़ आई मिस द ट्रेन, अगर मुझे ट्रेन छूट जाएगी तो आई विल कैच अ टैक्सी, तो मैं टैक्सी पकड़ लूँगा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, इफ़ से शुरू होने वाली जो क्लॉज है, इनफैक्ट ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। क्या, अगर ऐसा हो जाएगा, मीन्स अगर ट्रेन छूट जाएगी, तो ट्रेन छूटने की एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर इस पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, तो आप इस सेंटेंस को आप एज लॉन्ग एज का प्रयोग करके नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कह सकते हैं, आई विल कैच अ टैक्सी, मैं टैक्सी पकड़ लूँगा, एज लॉन्ग एज आई मिस द ट्रेन। अगर ऐसा सेंटेंस आप बोलेंगे, तो ये सेंटेंस कोई मैसेज नहीं देता है, अर्थात ये सेंटेंस गलत होता है। ओके, तो बस एक छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन किसी पॉसिबिलिटी को शो करती है, तो वहाँ पर हमें इफ़ का यूज़ ही करना चाहिए। और अगर कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन या कोई स्पेसिफिक कंडीशन को शो करती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इन कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। अब एक कंजंक्शन और शेष बचता है, और वो है इवन इफ। इवन इफ का यूज़ बहुत ही संभाल करके करना होगा। ज़रा देखें उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। तो ज़रा देख लेते हैं इवन इफ़ का यूज़, हम उसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ज़रा इन दो सेंटेंसेस को आप ठीक से पढ़ें, समझें, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम इवन इफ़ का यूज़ कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं और इस कंडीशन पर कर सकते हैं। ज़रा देखिए क्या है सेंटेंस, वी विल रिड्यूस इट्स प्राइस, हम इसकी कीमतों को घटा देंगे, तो भी क्या होगा, नॉट मैनी पीपल, बहुत सारे लोग तब भी नहीं क्या करेंगे, विल बाय इट, तब भी बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे नहीं। मीन्स ये जो एक्शन होगा, बहुत सारे लोग इसे नहीं खरीदेंगे, भले ही हम ये काम कर दें। मीन्स इवन इफ एक्चुअली क्या करता है, ये एक रिगार्डलेस कंडीशन को शो करता है, अर्थात एक ऐसी कंडीशन जो ऐसा होने पर भी ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक कंडीशन को फुलफिल भी कर देते हैं, तो भी वो काम नहीं होगा, ऐसा कुछ इसका मीनिंग निकलता है। तो हिंदी मीनिंग में अगर हम चाहें तो इसको हम तो भी कह सकते हैं, या ऐसा होने पर भी हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। इट मीन्स एक प्रकार से ये एक कंट्रास्टिंग कंडीशन होती है, अर्थात एक विरोधाभासी कंट्रास्टिंग, अर्थात इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, एक विरोधाभासी कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, यानी ऐसा हम करें तो भी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति हो, तो हम इवन इफ का यूज़ कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, नॉट मैनी पीपल, तो ज़रा देखिए हमने इस कंजंक्शन का प्रयोग यहाँ पर किस प्रकार से किया है। अगर आप चाहें तो इस सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले इस क्लॉज को आप पहले भी रख सकते हैं, और इस मेन क्लॉज को आप बाद में भी रख सकते हैं। चलिए ज़रा देखते हैं, नॉट मैनी पीपल विल बाय इट, बहुत सारे लोग इसे नहीं खरीदेंगे, इवन इफ, तो भी यदि क्या हो, वी रिड्यूस इट्स प्राइस, यदि हम इसकी प्राइस भी घटा दें या कम कर दें, तो भी बहुत सारे लोग इसे नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ हम कुछ इसी प्रकार से निकालते हैं हिंदी में, तो भी या ऐसा होने पर भी। ओके, तो एक कंट्रास्टिंग कंडीशन को यहाँ पर शो करता है। एक कंडीशन तो होती है, बट वो रिगार्डलेस कंडीशन सम एक्शन हैपेंस, यानी कंडीशन होने के बाद भी वो क्रिया जो होनी है वो तो होगी ही, ऐसा कुछ इसमें शो किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मीन्स मेरे चैनल पर आप पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि तभी आप मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय पर प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।